केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। लायंस क्लब ऑफ केडे एलिट के द्वारा भारतीय जीवन बीमा कार्यालय के सामने आम लोगों के बीच 500 मास्क का वितरण किया गया। क्लब अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि लायंस क्लब वन मल्टीपल वन एक्टिविटी कार्यक्रम के तहत आज मास्क वितरण का कार्य रखा गया है। कोरोना महामारी से बचने के लिए लोगों से मास्क पहनने का अनुरोध किया गया। कार्यक्रम में क्लब सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि लायंस क्लब ऑफ गेडी एलिट गेडी एवं आसपास क्षेत्र के जन सेवा में अग्रणी भूमिका निभाएगा। उन्होंने इस महामारी से बचने के लिए लोगों से मास्क पहने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का अनुरोध किया। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि बेफिजूल के घर से बाहर ना निकलें, तभी हम लोग इस कोरोना से विजय पा सकते हैं। गिरिडीह से कैमरा पर्सन डिंपल के साथ प्रिंस झा की रिपोर्ट। क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम रखा गया है। यह कार्यक्रम हमारा लायंस इंटरनेशनल का तहत जो रखा गया है, हमारा इंटरनेशनल का एक कॉल है वन मल्टीपल वन एक्टिविटी, इसी के तहत यह कार्यक्रम रखा गया है। और आज हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि मास्क लगा के चलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जब ज़रूरत हो तभी घर से निकलें, तभी कोरोना से हम सभी बच सकते हैं। साथ ही साथ गिरिडीह एलिट क्लब के द्वारा हम लोगों ने आज तय किया है कि हम गिरिडीह और इसके आसपास के क्षेत्रों में तमाम जन मुद्दों से जुड़ी हुई जो सेवाएं हैं उसमें हम लोग अग्रणी भूमिका निभाएंगे और हमारा आगे भी मानव सेवा के लिए बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग रखे हुए हैं। आगे भी हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा। आप लोग के माध्यम से हम फिर से गिरिडीह वासियों से कह रहे हैं कि कोविड महामारी बहुत तेज़ी से इस शहर में फैल रहा है, आप सभी जो है मास्क लगा के चलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और ज़रूरत पड़े तभी घर से निकलें।